नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। राजधानी दिल्ली के टीपीटी सेंटर आजादपुर मंदिर रेलवे लाइन के किनारे बसी वर्षों पुरानी झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। वहां रहने वाले लोग हुए बेघर। सरकार का जहां झुग्गी वहीं मकान का दावा झूठा साबित हुआ दिखा। घर टूटने के बाद वहां रहने वाले लोग सड़क पर, अब उनकी समस्या के समाधान के लिए नहीं पहुंचा कोई भी जनप्रतिनिधि। बिना नोटिस के हुई कार्यवाही। राजधानी दिल्ली के आजादपुर मंडी स्थित टीपीटी सेंटर इलाके में बसी सैकड़ों झुग्गियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के आदेश के बाद तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि 2015 कानून बना था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है और लोग वहां रह रहे हैं, उनको पुनर्वास के तहत पहले मकान दिया जाएगा, फिर उनको हटाया जाएगा। लेकिन यहां तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हमें बिना किसी नोटिस दिए हमारे सैकड़ों मकानों को तोड़ दिया गया और अब यहां रहने वाले लोग बेघर हो चुके हैं। सर, हम लोग यहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं और 25 साल के दरमियान में एक डीडीए वाले, जल बोर्ड वाले, किसका किसका जगह, हम लोग तो किसी तरह यहाँ पे अपना मजदूरी करके अपने बच्चों को यहाँ भी पालन पोषण कर रहे हैं। इसके बाद दो दिन का भी टाइम नहीं दिए, अचानक आए, ना लिस्ट में नाम था ना कोई एड्रेस पता था, आया और दीवार में चिपका दिया। शनिवार के शाम में लिस्ट चिपकाया, रविवार का कहीं जाने का मौका नहीं मिला और सोमवार के दिन आके पे हम लोग लमसम 200 से प्लस झुग्गी वापसी हैं और कुछ लोग ऐसे भी थोड़ा सा झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। हम लोग लिखित रूप में 200 लमसम हैं, जो कि हम लोग के पास पुराने आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बिजली बिल वगैरह वगैरह, हर प्रमाण बच्चे का जितने भी डॉक्यूमेंट है सब यहीं से हुए हैं। आज बता सकते हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट पे मेरा बेकार चले जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट मेरा किस काम करेंगे, ना बच्चे हमारे दिल्ली में पढ़ पाएंगे, ना हमारे बच्चे बिहार में पढ़ पाएंगे, वो तो खोजेंगे डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट हम लोग का सारा बर्बाद हो गए। क्या इसी तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, देखते सरकार क्या मुआवजा दे रही है, क्या कह रही है। जैसे जो जी रहे देख ही रहे उसी तरह पड़े हैं, गवर्नमेंट को अगर लगेगा तो मुआवजा देंगे, तो इसी तरह बिजली का क्या नाम है, किराए लेने के लिए जाते हैं, पूछते हैं कितने बच्चे हैं, हम लोग के पास 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे हैं, बोलता भाई इतने बच्चे को रूम नहीं देंगे, तो ना रूम किराए भी मिलते हैं, ना उतना पैसा कमा सकते हैं, तो उतना रेंट दे दे हम, तो इसी तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। मेरा नाम निर्मल अग्नि है और मैं मजदूर आवास संघर्ष समिति से हूँ। देखिए, अभी ये जो बस्ती है, ये आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जिसका दुनिया दराज में नाम है। और इस मंडी से न केवल दिल्ली का बल्कि बाहर के विदेशों के अंदर भी सब्जियां फल वितरित किया जा रहा है। इसका मतलब जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहां पर सरकार ने हमला करके इनके घरों को तोड़ दिया है, वो जगह कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यहां पर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। क्यों? क्योंकि सन 1970-80 के दशक में ये बस्ती यहां पर बसी थी। वो लोग जो आजादपुर मंडी में काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग कृषि आधारित खेतीहर मजदूर हैं, जो लैंडलेस हैं, भूमिहीन हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आसपास के जिलों में जिन मजदूरों के पास में जमीन नहीं थी, काम नहीं था, वो रोजगार की तलाश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आए। लोगों ने यहां पर इस रेलवे के किनारे, जहां जमीन बताई जा रही है कि ये डीडीए का लैंड है, और इस जमीन पर लोगों ने अपनी झुग्गियां डाली, और इस बस्ती में जो मंडी बसी हुई है, उस मंडी में काम करना शुरू किया। आज भी यहां पर लोग 100 रुपए की एक दिन की दिहाड़ी के हिसाब से, 3000 रुपए मासिक वेतन के हिसाब से काम करते हैं। 3000 मासिक वेतन, दिल्ली का जो न्यूनतम मजदूरी है वो 17000 से ऊपर है। गुलामी की श्रेणी में, बंधुआगिरी की श्रेणी में ये तमाम लोग खड़े हुए हैं। इनके श्रम का मूल्य कभी सरकार ने पहचाना नहीं है, परंतु ये तमाम वो लोग जो इस दिल्ली को फल फ्रूट सब्जियां दे रहे हैं, लहसुन प्याज दे रहे हैं, आज उन्हीं मजदूरों के घर को डीडीए कैसे तोड़ती है? एक भद्दा मजाक नहीं, एक शर्मनाक कृत्य किया कि एक दिन का नोटिस दिया, वो भी सैटरडे शनिवार की शाम को इनका नोटिस लगाया गया। नोटिस के अंदर कोई तारीख नहीं डाली गई, नोटिस इंडिविजुअल किसी को नहीं दिया गया, और इनको कह दिया गया कि रातों रात झुग्गी खाली कीजिए। इन लोगों के पास खाने के लिए 100 रुपए की दिहाड़ी करने वाला मजदूर भला एक रात में किराए का घर 10000 रुपए देके कैसे ले सकता है?
एक एक घर में पांच पांच छह छह परिवार हैं प्रभावित हुए। यहाँ पर लगभग 250 घर स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके घरों को रोक दिया गया है। अभी कम से कम 20-25 घर और हैं जिनको तोड़ने के लिए कह के गए कि अभी हम किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस दिल्ली की भर्ती से और दिल्ली के हाई कोर्ट से जब इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला पुनर्वास के संबंध में शकूर बस्ती को लेकर अजय माकन के फैसले में दिया जाता है, इसी दिल्ली के अंदर से सुदामा सिंह का फैसला पुनर्वास की बात करने के लिए, जहां से दिल्ली के अंदर एक स्लम की पॉलिसी बनी जो पुनर्वास देने की बात करती है, ये 2015 की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी क्या कह रही है कि जब तक आप किसी भी बस्ती को सर्वे नहीं करेंगे, जब तक आप उनका पुनर्वास नहीं करेंगे, आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। और बड़ी शर्मनाक बात है डीडीए के लिए कि ये बस्ती 776 ड्यूसिप की क्लस्टर लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है, लिस्ट का नाम है, फिर इस जुब्बी को हाथ लगाते हुए उनको शर्म नहीं आई, इनकी मानवता बिल्कुल बढ़ गई है। कानूनी रूप से ये तमाम लोग मजबूती रखते हैं और अब इनको गरीब समझ के उन्होंने बुलडोजर पर रान दिया, लोग बुलडोजर के तले अपने घर दबवा दिए, अपना सामान दबवा दिया, पर ये तमाम लोग सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक गरीब भी हाईकोर्ट जाएगा, कानून से न्याय मांगेगा कि जब हम ड्यूसिप के क्लस्टर लिस्ट में हैं, आइडेंटिफाइड जुगी है, तो आखिर हमको तोड़ा क्यों गया। यहाँ प्रशासन के द्वारा बिना नोटिस इस डिमोलिशन के बाद से यहां के लोग सड़क पर आ गए हैं और अब कहीं ऐसी मजदूर संगठन उनके बचाव में आए हैं। मजदूर संघ का साफ तौर पर एक कहना है कि सरकार को जब वोट लेना होता है तो इनको अपना कहते हैं और जब अपना काम निकल जाता है तो इनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से आज यहां पर आजादपुर में लोगों को बेघर किया गया है, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। लोगों का भी कहना है कि जब तक उनकी झुग्गियों का मुआवजा या उनके घरों के बदले मकान नहीं मिलेगा, तब तक वह अपनी इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम लेडीज लोग को शौचालय तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, बाल बच्चे लेके हम रोड पे बैठे हैं। बताओ क्या खाऊं, कहाँ जाऊं? अभी हम पुल के नीचे रह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला हमारे तरफ से, ऊपर से ऑर्डर आया हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, तुम लोग अपना समझो, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। समस्या ना तो हमें नोटिस दिया, ना ही कुछ दिया, झुग्गी नहीं, सामान निकालने दिया, बुलडोजर आके चढ़ा दिया। पुलिस वाले भी ये कह रहे थे कि जल्दी बुलडोजर चढ़ा दो और के कोई वीडियो ना बना लेकर। और हमारी जवान लड़कियों और ये जवान जवान लड़की रात में तीन चार लड़के आए और यहाँ पे झुग्गी में लूटमार मचा रहे थे, हमारे लड़कियों को छेड़छाड़ रात हुआ है, उसका जवाब हम किसको दें, कौन जवाब देगा इसका? हमारे बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो रहा है, ये बताओ तो क्या कहते हैं, सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? कहीं नहीं रह रहे, फुटपाथ पर रह रहे, रोड पे ही रह रहे, रोड पर रह रहे भाई साहब, रोड पे ही रह रहे हैं। ये बताओ जब तक हमें रहने के लिए नहीं देंगे, जब तक नहीं करेंगे, हमें मार दे यहाँ पे, हम यहीं पे पड़े नहीं पड़े रहेंगे, मार दे हमें, हम यही पड़े रहे। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 500 झुग्गी इतनी है, 500 झुग्गी आजादपुर मंडी टीपी सेंटर फुलाव के नीचे रेलवे लाइन। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद से ही वहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि वोट लेने के लिए तो जनता प्रतिनिधि और नेता लोग आ जाते हैं, लेकिन आज इस मुसीबत के समय में कोई भी हमारा साथ देने नहीं आया, अब हम अपनी लड़ाई कोर्ट में जाकर खुद लड़ेंगे। श्याम नारायण जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? ये आपके मकान तोड़े गए कब और कैसे, क्यों तोड़े गए? शनिवार को 6 बजे नोटिस लगाए और नोटिस में कोई नाम निशान नहीं है। संदेह पर सोमवार को 8 बजे सूचना मिला, 3 घंटे की मोहलत मिली, 3 घंटे में टूटा है, 3 घंटे में बुलडोजर तीन आए और फोर्स भी लगी, फोर्स में टूटा है तोड़ दिए और कोई रोक नहीं, सामान बाहर निकलवा लिए, रोकने पर भी ईटा पत्थर करने पर भी नहीं, जबरदस्ती तोड़े। अब क्या हालात है आप लोग के, बच्चे कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं आप लोग? इधर पल्ली टांग के सब है और सब भाई यहीं पर है, पल्ली टांग के हैं, खाना वाने जो मिलता है बना के खाते हैं और कुछ नहीं है। हाँ। तो अब वोट का जब समय आता है तब क्या कहा जाता है आप लोग को और अब क्या कहा जाता है? वोट के समय पर तो जहाँ झुग्गी वही मकान, वोट के समय पर तो ये होता था, और आज वर्तमान में ये कहानी हो रही है कि अब आज रोड पर हो गए, आज वर्तमान में तो वो रोड पर हो गए।
देवी मेरा नाम है। क्या समस्या हो रही है आप लोग को? हमारे हमारे साथ बहुत तकलीफ हो रही है हमको, हमारे बच्चे हैं ऐसे अनाथ हो जा रहे हैं हमारे बच्चे, हम सड़क पे पड़े हुए, हमारे को देखभाल करने वाले कोई नहीं है, सरकार देखने के लिए आ नहीं रही है हमको, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे ऐसे चोर चुहार के बीच में जवान जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? देखो प्लीज हमारी हेल्प करो। लड़कियाँ जो बड़ी उन पे भी कई बार यहाँ पे जी सर हुई है, लड़कियों के बारे में बहुत दिक्कत हुई है, हमारी लड़कियाँ जंगल में जाती है, शौचालय तोड़ दिए जंगल में जाते हैं, हमको बहुत दिक्कत होती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज।